बाप ले, ये दे क्या है? जरा दिखा, अभी का है। रसिया सुन, लेटर्स जला दिए ना। क्या बोलू, अब आपकी हालत ऐसी है कि एक तरफ को अभी जी बाजू खाए। पर हुआ क्या? गलती हो गई, मैंने कागज कोठरी में फेंक दिए। कोठरी में फेंक दिए? बेवकूफ, तेरा गला दबा दूंगी। जल्दी जा, कोई देखे उसे पहले लेकर आ। गुंडों के पास। अरे अभी तो मैं सिर्फ डांट खा रही हूँ, अगर ये लेटर किसी के हाथ आ गए तो सोच मेरा क्या होगा। तुम यहाँ रुक के सब संभालो, वहाँ जाके संभाल दे। ये लव लेटर हुका मुंह पर मारूंगा। नील कांत, शोर मत मचाइए प्लीज। धीरे 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 बोले, ये सारा किया धरा तुम्हारा, भुगते हम। बुला तो हर बाप को। ओ नील कांत, सर बोल सर। नील कांत सर, नील कांत बाहर आइए, बाहर निकलिए। गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज चिल्लाइए मत, प्लीज शांत हो जाइए। मुखड़ा तो दिखाती नहीं है और सब कुछ दिखाती रहती है। टर्की कहीं का प्लान वर्ट है सर जी। जाओ अपना बक्सा उठाई लो, हम जाएंगे। हां हां, घर जाएंगे, तू ही जाएगा। चलो चलो। नाम क्या है तुम्हारा? मीना सर। क्या तुम्हारा बाप घर पर है? लेकिन क्यों सर? बुलाओ उन्हें, कुछ सौदा करना है। मुझसे सौदा कीजिए ना, मुझ पे तरस खाइए, फंसी तो मैं ही हूँ ना। इससे काहे बतिया रहे हो, इसके बाप से बात करते हैं। बात करने दे सर, वो सारे कागज दे दीजिए ना सर। क्या कागज? लेकिन ये तो लव लेटर्स लग रहा है मुझे। लव 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 लेटर्स है? और तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। पर आपने कब देखी? मुझे तुम्हारे जीजा जी ने बताया, वो इन लेटर्स को तुम्हारे नोटबुक में जो रखते थे। ऐसा क्या? ओ, ये देखो ये देखो, क्या लिखा है इसमें? दे दीजिए ना सर, प्लीज सर। स्कूल बंक करके तुम मूवी देखने गई थी, टिकट किसने दिया था? दीदी ने। दीदी ने दिया था? बिल्कुल नहीं, ब्लैक में तुम्हारे जीजा जी ने खरीदे थे। पर तुम्हें कैसे पता? सब इसमें लिखा है ना। और हाँ, तुम्हें रॉकस्टार वाला हीरो बहुत पसंद है ना? चल चल, इसमें रिटन है, इसमें। उसमें लिखा है तो पसंद होगा मुझे। बाप रे, अगर तुम्हारे बाप को ये पता चल जाए तो वो तो सुसाइड कर बैठेंगे यार। तुम दोनों बहनें बड़ी चैप्टर निकली। ऐसा तो मत कहिए सर। सर, किसी ने तो कहा था मैं आपके भी लायक नहीं हूँ। ऐसा कहा था? माफ कर दीजिए सर, मैं तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। बहुत हो गया यार, बुला उन तो। नीलकंठ सर, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज, चिल्लाइए मत ना सर। जब वो हमें मार रहे थे तब तो नहीं रोका, वो लेटर लाए इधर। अरे मैं लेटर तब दूंगा जब मेरा काम हो जाए। अब मरे सर, आगे के प्लान वर्ड्स हैं। अरे सारे लेटर तो हु के पास है, अब हमारी बच गई। ओए, हमारी हेल्प करेगी ना? जो आप बोले सर। पता लगा उस लड़की का। पता लगाओ, इस तरह के काम का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, पता लगाओ, एक्सपीरियंस हो जाए। जान से जाऊंगी अगर पापा को पता चला। तेरी इस फैमिली और बाप का चैप्टर अब क्लोज करते हैं और मेरे प्यार का नया चैप्टर शुरू करते हैं। समझ गई? क्या हुआ, इरादा बदल दिया क्या? नहीं, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना सर। वो लड़की दिखने में कैसी है ये तो बताइए। बाबू के सारे रिश्तेदारों को हमने मार पीट कर पूछताछ की, लेकिन सबका यही कहना है कि बाबू वहाँ पे आया ही नहीं। नेल्लूर से बंटी का फोन आया है कि शीनू अभी तक लौटा नहीं है। भैया अपने गांव के इंस्पेक्टर हैं, आप कंप्लेंट लिखवा लो, बाकी वो सब संभाल लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो मेरी बेटी है, कंप्लेंट किया तो उसकी बदनामी होगी, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। आपका फोन। सुनो वकील, उससे कहो वो खोजता रहे, इस कंप्लेंट के बगैर वो जो भी करना चाहता है वैसा करे। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस, और मुझे वो कुत्ता भी चाहिए। हाँ, हमारे परिवार को जाने के बाद भी हमारी लड़की को कुछ पता चला? बस एक बार मुझे वो मिल जाए, उसके बाद इस गांव में कोई प्यार करने की भूल नहीं करेगा। प्यार करना क्या पाप है? क्या कहा? हाँ, पाप है। ए, चुप कर, कुछ कहना है तुझे तो अंदर जा। हेलो। हाँ, अब क्या खुदकुशी करेगा? हाँ, अपने मोहब्बत के लिए जमीन आसमान एक कर सकता हूँ खुदकुशी। पल वो तो ढूंढ लिए ना लड़की को। हाँ। मेरे भाई ये प्यार है, खुद को भी कोशिश करते रहनी चाहिए। ये तो तत में पागल हो गया भैया। आप उसको लव करते हैं सर? अबे तू उसको तलाना बंद कर ताले। ऊ के साथ तुझे भी घर नहीं जाना है का? ताला तत में। लव को किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता, लव इज लव, उसके लिए तो जिंदगी कुर्बान, समझा? एक कृष्णा है और एक अर्जुन, अब ये प्यार के गीत सुनाएंगे। इसकी तो ऐसे गीत गाएंगे तो ये लोग शहीद हो जाएंगे। अगर ये बात किसी ने सुन ली तो हम मारे जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया। बाहर आओ। अब फिर दिया नया ड्रामा है। हाँ, तो सुनो भाई। सुनाइए सर। ये जो सब गांव वाले हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता।
कपड़े गंदे हैं, बुद्धू हैं, मजदूर हैं, अनपढ़ लोग हैं ये, पर तुम तो सिविल, एजुकेटेड, स्मार्ट। करेक्ट। तुम इन लोगों के बीच कैसे फंस गए? बता, बताएगा कि नहीं? मुंह खोला गया इसने। ये लोग बहुत ज्यादा होशियार है सर। आपसे ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही, समझदार। इसलिए अगर कुछ भी पता हो तो बता दो। मैं वादा करता हूँ मेरे होते तुम्हें यहाँ कोई छुएगा भी नहीं। ये भरोसा अगर मुझे पहले किसी ने दिया होता मैं बोल देता। इंटेलिजेंट है भैया। थैंक यू सर। आप ही को देख लीजिए, शहर के लोगों की तरह इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, स्मार्ट हूँ। करेक्ट। फिर इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए ना। समझा नहीं, कैसे? समझाता हूँ। बाबू के पास हम जैसे घटिया दोस्त हो सकते हैं तो शुभ लक्ष्मी के पास भी ऐसी सहेलियाँ होंगी। हो सकती हैं, पर उनसे क्या पता चलेगा? आप उनको नहीं जानते सर, उनके पास सारी खबरें होती हैं। मतलब? कुछ लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा चालू होती हैं। चाहे किताब के बीच लव लेटर रखने का आइडिया हो या चोरी छुपे जाकर फिल्म देखने की बात हो, वो सब कर लेती हैं। और फिर भागने के बाद, गायब होने के बाद। ओके, बात यह है कि लव लेटर जलाकर सहेली अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देती है। सर जी, अगर चल के गांव की हर एक लड़की से पूछे तो कुछ तो पता चलेगा। शाम तक वो लड़की आपके हाथों में होगी। मेरे लाल, ये ससुर अपनी वाली ढूंढने के लिए आइडिया दे रहा है। ऐसा वैसा आइडिया नहीं है रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। इंस्पेक्टर, इसने कुछ बताया? बताया, बहुत कुछ बताया सर। इसने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बताया सर। इनकी तरह अगर हम आपकी बेटी की सहेलियों से भी पूछताछ करें तो? जैसा तुम ठीक समझो। ओके। हाँ तो बांगड़ू, तुम आराम करो। ए हवलदारों, चलो। यार इसने तो सारा प्लान चौपट कर दिया। इन ससुरों को खोजने दो, इन्हें कहाँ मिलेगा? गोबर मिलेगा, वहाँ की बदबू मिलेगी, और क्या। तू चल यहाँ से, चल। इन्हें कोठरी में डाल और ताला लगा। ए, चलो अंदर। नहीं जाऊंगा मैं। हम यहाँ कौन सा गिल्ली डंडा खेल रहे हैं? उस लड़की को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद तो कर रहे हैं। हाँ। लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती हैं। हमारी ये चोटें उन्हें दिखाओगे तो उन्हें दया आएगी और वो सच कबूल लेंगी। वरना जाओ, जैसे ढूंढना ढूंढो, हमें क्या? चल, लड़की चल, मिलने से रही। इन गुंडों की पर्सनालिटी देखकर मुंह का दरवाजा तक नहीं खोलेंगे। कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप चाहे उसके सामने तिजोरी खोल के रखो या भीख मांग लो। अरे कल्पेश। हाँ भैया। उन्हें भी साथ ले। जी भैया। सुना भाई ने क्या कहा? ये हमारा फिर तबला बजाएगा। तबला नहीं, पुंगी बजाएगा। सर जी, शुभ लक्ष्मी की फ्रेंड्स के अलावा गांव की हर लड़की से मिलना पड़ेगा। वो क्यों भला? पूछेंगे तभी तो। शाम तक वो लड़की वो लड़की हमारे हाथ में होगी। हाँ तो बांगड़ू, अब हम पूछें। माजे। सर जी, भैंसे जैसा मत चिल्लाइए। माजे। ठीक है, नीचे नीचे। माजे, क्या काम है? तुम शुभ लक्ष्मी की सहेली हो ना, आगे तू पूछ। तुम्हारे किसी दोस्त को सुबह सुबह खेतों में घूमने की आदत है? ये क्यों पूछ रहा है तू? गांव की लव स्टोरी खेतों के कोरे में ही शुरू होती है। ऐसी बात है? वहीं से तितमत भी फूटती है। तो फिर बताओ। नहीं, मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं। पूछ कर कोई फायदा नहीं, रॉन्ग नंबर है। काकी, तुम्हारी कितनी लड़कियां हैं? 9 हैं। 9 हैं? उन्हें बुलाओ तो, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। सब अपने 9 बच्चों के साथ अपने अपने ससुराल में हैं। ससुराल में? बांगड़ू, कोहरे का तो पूछ। शादीशुदा औरतें कोहरे में नहीं जाती। मैं नहीं जाती। शुभ लक्ष्मी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे वो बात नहीं है, ये किसी और ट्रैक पे जा रही है। चलो चलते हैं। बाबू ही उसका पीछा करता रहता था और कहता था वो उससे प्यार करता है, उसके बिना वो मर जाएगा। इसमें शुभ लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है, शुभ बिल्कुल बेकसूर है। ये गांव का आखिरी घर है, यहाँ कुछ पता नहीं चला तो मरेंगे। मैं मर गया। ये लीजिए। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम कोहरे में जाती हो? हाँ, जाती हूँ। कृष्णा, ये लड़की कोहरे में जाती है भैया। कोई बात नहीं, लड़की नहीं मिली तो क्या, मेरा वजन तुम्हारी वजह से 200 ग्राम कम हो गया। जरा सुन, गांव की सारी छोरियां तूने देख ली, उसे ढूंढना मुश्किल है, चल चलते हैं। मुश्किल नहीं, इजी है। अगर सच में मैंने प्यार किया है तो वो जरूर मिलेगी, मुझे भरोसा है। इसलिए परेशान कर रहा ना, क्योंकि उसके पास लव लेटर्स हैं। उन लेटर्स को हासिल करूं फिर मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? जब लोग गलत हो तो उनके साथ गलत काम करना कोई गलत नहीं है। तुम ही जाओ, मेरे को तो अंदर जाने से डर लगता है। फटपू कहेगी। मिल गया जो छोड़।
छोरी कोई मस्ती थोड़ी थोड़ी प्यार का नाम लेना। I hate love stories. ओ सर जी, एक यहाँ पर भी दो ना। थैंक यू। अरे मालकिन, वो लोग वापस आ गए। बेकार का घुमा के लिया। मैं जा रही हूँ, तुम भी कहीं छुप जाओ। अपना ये पागलपन बंद कर। अगर मजनू ने हार मान ली होती तो ये दुनिया कभी उसे याद नहीं रखती। रुका क्यों? चल। कहाँ छुपाए हैं वो लेटर्स? ये छोटे दरवाजा खोल। ताला लगाना मत भूलना। ये तब क्या हुआ? हे भूचाल यहाँ कमिंग। भाई ये रूम इतना बिखरा हुआ है, लगता है और लोगों को लाकर यहाँ पीटा है। बिना मार पिटाई दिए इनका खाना नहीं पत्ता क्या? किसी और को मुर्गा बनाया गया होगा। इसे तिनारे रखो। पूरा दिन खराब कर दिया। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? कपड़े सुखा रही हूँ। जल्दी घर पे जा, चलो दूसरा काम निपटाते हैं। ओए, मैं जानता हूँ तुम यही हो, चुपचाप सामने आ जाओ। खिड़की में आओ, आ जाओ। सर, ढूंढ लिया ना? मिल गई क्या? नहीं। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें लड़की मिल गई या नहीं? मैंने बहुत ढूंढा सर, पर नहीं मिली। देखो झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है इस गांव में कितने घर हैं? 615। और पता है यहाँ कुंवारी लड़कियां कितनी हैं? लगभग 39। मुझे यहाँ कमरे में बंद रहने के बावजूद ये पता है, और तुम वहाँ आजाद पंछी होने के बावजूद ये पता नहीं लगा पाई? क्या यार, मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं बाहर गई तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ देंगे? तुम्हारे बाप को बेवकूफ बना के घर से निकले, तुम्हारे प्यारे चाचा ने हमें गाँव दिखाया और हमारी पहरेदारी की। थोड़ी अक्कल लगाओ, तुम्हारे अंदर क्या भूसा भरा है? मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, आपकी तरह चालाक नहीं हूँ सर। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, सीधी सादी लड़कियाँ चोरी नहीं करती। दोबारा नहीं करूँगी सर, इस बार छोड़ दीजिए, इस घर से निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? ऑलरेडी तुम्हारी दीदी ने साबित कर दिया ये मुश्किल नहीं है। एक बार मुझे अपनी वाली लड़की मिल जाए फिर उसे लेके उड़ जाऊंगा। तुम्हारा तो ठीक है, पर उसमें भागने की हिम्मत नहीं हुई तो? मुझसे प्यार करेगी तो हिम्मत आ जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर कैसे होता है? उसने एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देख लिया तो गई काम से। जानती हो आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। तुमसे कुछ पूछूं, वो पसंद क्यों नहीं करेगी? पसंद आ गए तो फायदा क्या है? यहाँ के लोगों को नहीं जानते, तुम तो मरोगे साथ में वो भी। प्यार किया तो डरना क्या? जैसे तुम्हारी दीदी और बाबू भागे थे वैसे ही भाग जाऊंगा।